गुड मॉर्निंग क्लास, दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बी एस फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी, उसमें आज हम उपागम पढ़ने वाले हैं। कुछ अप्रोचेस मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं और कुछ आज बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में हिपोक्रेट्स, शेल्डन, क्रैशमर और यूम चार लोगों के अप्रोचेस को डिफाइन कर दिया था, आज की क्लास में मैं डिफाइन करने वाली हूँ आइजेन और पोटो कैपल के अप्रोच को। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग टाइप से, जैसे पहले अगर बात करें तो चाहे शेल्डन हो, क्रैशमर हो, हिपोक्रेट्स हो या फिर आपके यूंग हो, इन लोगों ने टाइप ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी, मतलब व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जो आइजैक है, आइजैक ने टाइप ऑफ पर्सनालिटी नहीं, डायमेंशनल अप्रोच दिया था। ठीक है, डायमेंशन जानते हैं क्या होता है? डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं धुरी या विमा, यानी कि जब कोई एक चीज एक तरफ ज्यादा भारी हो जाए तो दूसरी तरफ हल्की हो जाती है, और एक तरफ अगर दूसरी तरफ भारी हो जाए तो पहली तरफ हल्की हो जाती है। इसका मतलब ये है, जैसे वो तराजू होता है ना, कि अगर एक चीज एक तरफ ज्यादा है कुछ क्वालिटीज तो दूसरी तरफ बिल्कुल लाइट वेटेड होता है। ऐसे ही पर्सन की क्वालिटीज दो में से कोई एक होती है, दोनों नहीं कह सकते हैं, दो में से कोई एक। यदि पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा तो इंट्रोवर्ट नहीं होगा, अगर इंट्रोवर्ट होगा तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। ऐसे ही आइजैक ने डायमेंशनल अप्रोच में थ्री टाइप ऑफ डायमेंशन बताए हैं। पहला है एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, सेकेंड है साइकोटिक वर्सेस सोशलाइज, और थर्ड है न्यूरोटिज्म वर्सेस मेंटल स्टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं आपको पता ही है, जो बहुत ही ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, अजनबियों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, बाहर घूमना फिरना पसंद होता है, घर में अकेले रहना पसंद नहीं होता है उनको। ठीक है, और मोस्टली नए नए काम करना अच्छा लगता है, समाज में रहना अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। तो पर्सन या तो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या इंट्रोवर्ट हो सकता है, जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो इंट्रोवर्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। जैसे एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज होती है, पर्सन को अकेले रहना पसंद होता है, वो खुद से ही मोस्टली खुद से ही सबसे ज्यादा अटैच होता है, हर चीजें खुद से ही शेयर करना पसंद होता है, दोस्त इनके होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये लोग कम बात करते हैं, इस वजह से इनके दोस्त ज्यादा बन नहीं पाते हैं, इनको बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं होता है, अजनबी उस जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, और समाज में भी सोशल वर्क करना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता। ये सोचते हैं कि अगर हम खुद में रहेंगे तो कुछ नया ग्रोथ कर पाएंगे, क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर। ठीक है, तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, तो या तो पर्सन इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोटिक वर्सेस सोशलाइज। साइकोटिक कौन होता है? जो केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है। साइकोटिक मतलब जो पर्सन केवल खुद की खुशी, खुद का स्वार्थ, हर चीज खुद से शुरू और खुद पे खत्म वाली कंडीशन में होते हैं, वो साइकोटिक पर्सन होते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में कुछ लोग अपने ही अपने आसपास सारी चीजें रखने के लिए, चाहे जो लोग हो या कोई चीज हो, उनको ही चाहिए होती है उनके स्वार्थ के लिए, तो वो ऐसे लोगों को अपने पास रखने के लिए कई लोगों को हार्म भी कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके वर्सेस में है सोशलाइजेशन। तो अगर लोग अपने बारे में सोचेंगे तो समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, और यहाँ सोशलाइज मतलब इस प्रकार के व्यक्ति टोटल समाज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये अपने के बारे में तो बिल्कुल, मतलब अगर इनके पास एक रोटी होगी तो ये खुद नहीं खाएंगे, दूसरों को दे देंगे, मतलब खुद तो भूखे मरेंगे ही। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कहते हैं कि मतलब हेल्प तभी करनी चाहिए जब आपके पास सफिशियंट हो, लेकिन सफिशियंट नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल नैतिकता है। लेकिन ये लोग उल्टे होते हैं, ये लोग खुद के लिए कुछ नहीं सोचते, केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म वर्सेस मेंटल स्टेबल। तो न्यूरोटिज्म वाले कैसे होते हैं? ये लोग हमेशा मतलब एक तरीके से अंदर से चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, एकदम बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल से चीजों को बहुत ज्यादा परेशानी की नजर से देखते हैं, समझ नहीं पाते ये करें तो करें क्या, तो ऐसे न्यूरोटिज्म वाले होते हैं। नेक्स्ट है मेंटल स्टेबिलिटी। तो मेंटल स्टेबल बच्चे कौन से होते हैं? लोग जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, बिल्कुल शांत और स्थिर, तो ज्यादा उनको कोई लेना देना होता नहीं, न ज्यादा काम में पड़ते हैं, सिंपल सॉल्व एकदम शांत रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट ने थ्योरी को ट्रेड थ्योरी बोला है। ट्रेड को हिंदी बोलते हैं गुण या विशेषताएं। ठीक है, जैसे हर पर्सन की कुछ क्वालिटीज होती है ना, क्वालिटीज की बात हो रही है, तो इन्होंने इस ट्रेड को ट्रेड को बोलते हैं, क्वालिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शील गुण जो सब लोगों में अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, कुछ उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कार्डिनल है, सेंट्रल है। ठीक है, तो कार्डिनल ट्रेड कौन सी होती है? कार्डिनल ट्रेड वो ट्रेड होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो ट्रेड होती है जो एक तरीके से बहुत फेमस लोगों में पाई जाती है, जैसे महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है,
ठीक है, जैसे अपने जितने एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन हुए जैसे, ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आज इतनी प्रख्याति पा चुके हैं, जिन्हें दुनिया में सभी लोग जानते हैं। तो मतलब वो लोग जो दूसरों को एक तरीके से लीडर का काम करते हैं, जो समाज में एकदम सबसे ऊपर होते हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, तो उनमें होती है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट सबके अंदर नहीं होती है। जैसे मान के चलिए अगर एक अच्छा लीडर है तो क्या सभी अच्छे लीडर बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्वालिटीज लीडर की एक आधी पर्सन में होती है, तो वही पर्सन लीडर बनता है। तो वो कार्डिनल, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे वो बहुत सारे लोगों को अपने कुछ बिहेवियर से प्रभावित कर सकता है, तो वो होती है कार्डिनल ट्रेट। ये नेताओं में पाई जाती है, एक्टर्स में पाई जाती है, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है जो सभी नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं उनमें कार्डिनल ट्रेट सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट मतलब जो ट्रेट मतलब ऐसा हो जो एक तरीके से सब में देखी जाए, जैसे कुछ कॉमन गुण होते हैं ना सभी में पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेंट्रल। जैसे मान के चलिए पर्सन अच्छा नेचर का है, ठीक, अगर अच्छा नेचर का हुआ तो लालची नहीं होगा, ईमानदार होगा, ठीक है, और वो सभी की मदद करने वाला होगा, तो दयालु होगा। तो ये सब चीज़ें क्या मिली जुली है एक दूसरे से, मतलब एक गुच्छा समझ लो, अगर एक गुण होगा तो बाकी के गुण भी उसमें देखे जाएंगे। अगर दूसरा मान लीजिए जैसे बुरा है, बुरा है तो निर्दयी होगा, निर्दयी है तो लालची भी होगा, लालची है तो ईमानदार नहीं होगा। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज जो गुच्छे के समूह में आती है वो सेंट्रल ट्रेट कहलाती है, जो सभी में मतलब अलग अलग लोगों में होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब होता है जो समय या फैशन के अनुसार बदल जाए। जैसे मान लीजिए चलिए अभी प्लाजो का बहुत फैशन चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए जैसे ढीले ढाले पैंट्स का बहुत फैशन चल रहा है, ऐसे ही एक तरीके से जो फैशन के अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी को डिफाइन करती है, क्वालिटी बाहर वाली होती है। जैसे मान लीजिए हेयर कट में जो फैशन चल रहा हो अभी, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी ट्रेट है, अभी सभी लोगों को पसंद आ रही है। जब समय फैशन निकल जाएगा तो सभी लोगों को जैसे ही फैशन बदलेगा तो वो जो बदला फैशन है तो वो चीज़ें पसंद आने लगेंगी। तो ये होती है सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है, जो समय के अनुसार फैशन के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर के अनुसार ट्रेट अप्रोच, इन्होंने भी दिया है लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ऑलपोर्ट के जैसा दिया है, वो थोड़ा अपना अलग दिया है। पहला है इनका सोर्स ट्रेट। तो सोर्स कौन सी होती है, जो गहराई से अंदर घुसी होती है, मतलब मान के चलो अगर पर्सन, जैसे हमने आपको भी बताया ना सेंट्रल ट्रेट लोगों के अंदर जो होती है, कि जैसे मान लीजिए अगर एक दो ट्रेट है तो उनसे मिलती जुलती सारे ट्रेट उसके अंदर होती है, तो वो सोर्स ट्रेट कहलाती है, जो उस पर्सन की रियल विशेषता बताती है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी एक पर्सन की विशेषता बता रहे हैं तो वो जो उसकी रियल जो अंदर तक जो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज है वो आपकी सोर्स ट्रेट कहला रही है, जो उसका सोर्स है, जो उसके बारे में बता सकता है। नेक्स्ट होती है सरफेस। सरफेस मतलब ऊपर ऊपर दिखने वाली, हल्की फुल्की, जैसे मान लीजिए समय के अनुसार बदल जाए, जैसे इनकी सेकेंडरी ट्रेट थी और पोर्ट की वैसे ही, ठीक है, तो वो सरफेस ट्रेट होती है, समय के अनुसार बदल भी जाती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल ट्रेट। तो एनवायरमेंटल ट्रेट में जो पर्यावरण का जैसा माहौल चल रहा होता है उसी के हिसाब से पर्सन बिहेव करता है, ठीक है, जैसे ही पर्यावरण में बदलाव हुआ वैसे ही पर्सन के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है नियम कानून से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें जो नियम वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा नियमों को फॉलो करता है तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज होंगी वो सारी अनुशासन, और जैसे वो मोहब्बत में है परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट होती है, किसी किसी में देखी जाती है, किसी किसी में नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं होती ये नहीं कह सकते हम, होती है। और नेक्स्ट है डायनामिक। तो डायनामिक होती है चलत प्रति, यानी कि आज है कल नहीं होंगी, परसों फिर देखी जाएंगी, नरसों फिर नहीं होंगी, तो पर्सन की अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाए वो डायनामिक ट्रेट कहलाती है। लेकिन ये जो है ये मोस्टली पर्सन की क्वालिटी से ही जुड़ी होती है, ठीक है, थैंक यू।